गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपने देखा ही सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि राइटर एसोसिएशन और FWICE के अंडर जो 22 यूनियंस है सीनियर वर्कर्स के, उन्होंने स्ट्राइक किया था, कुछ डिमांड्स थी और कमलेश सर एज सेक्रेटरी ऑफ FWA एंड प्रेसिडेंट ऑफ FWICE दोनों तरह से सक्रिय रह के उस पर काम कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि सर इसमें अभी क्या, आज क्या हो रहा है, उस स्ट्राइक की हमारी क्या डिमांड्स थी, उसमें से क्या डिमांड है। एक तो एक जो फेडरेशन है वो करीब पिछले 60 साल से काम कर रही है, जिसके अंडर 22 यूनियनें हैं। 22 जो अलग अलग हैं, क्राफ्ट स्पॉट बॉय से लेके लाइट मैन, सेटिंग वर्कर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, एडिटर, कैमरामैन, डांस डायरेक्टर, डांसर्स, डायरेक्टर, राइटर्स, ये सारी जो 22 क्राफ्ट है ये सब उनके अंदर आती हैं। और उन 22 क्राफ्ट की तरफ से फेडरेशन जो है वो हर 5 साल में एक MOU साइन करता है इम्पा के साथ, गिल्ड के साथ और IFTPC के साथ। ये जो एसोसिएशन है, ये है जो फिल्म और टीवी के प्रोड्यूसर हैं उनकी एसोसिएशन, क्योंकि हम लोग पंचायत हैं, हम लोग हैं ट्रेड यूनियन एक तरह से, फेडरेशन भी और फिल्म राइटर एसोसिएशन भी। और उनकी जो एसोसिएशन है इम्पा गिल्ड एंड IFTPC वो भी एक तरह से वो ट्रेड यूनियन ही है। और ये वो पंचायत है, हम भी पंचायत हैं, और पंचायत पंचायत आपस में बैठ के फैसला करती है कि अगले 5 साल तक हम किन शर्तों पे काम करेंगे, क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी, किसको कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, शिफ्टिंग के टाइम क्या होगी, बॉम्बे से बाहर शूट करेंगे तो क्या होगा, बॉम्बे के अंदर क्या होगा, आपस में कोई डिस्प्यूट होगा, कोई अगर मसला हो उसको कैसे सुलझाएंगे, ताकि किसी को अदालत में न जाना पड़े। अदालत महंगी जगह है, वकील खर्चा, बाकी सब खर्चे, तो वो अवॉइड करने के लिए कि सारे मसले अक्रॉस द टेबल हल हो जाए आपस में, बिना ज्यादा एक खर्चा किए, बिना कोर्ट में गए, इसलिए ये MOU साइन होता है और साइन होता आया है। अब पिछला जो MOU था वो 28 फरवरी 2015 को खत्म हो गया। उसके पहले हमने काम करना शुरू कर दिया था नए MOU पे, ड्राफ्ट पे, और हमने उनको, हम बराबर उनको फोन पे या मेल जो बताते रहे थे सबको, सारे एसोसिएशन को, इम्पा को, गिल्ड को, IFTPC को, कि भाई हम MOU पे, नए MOU पे ड्राफ्ट पे काम कर रहे हैं और हम आपको फॉरन ड्राफ्ट भेजने वाले हैं। और हमने फरवरी में ही शायद उनको ड्राफ्ट भेज दिया था कि भाई आप बताओ, अपना फीडबैक दो कि आपको क्या मंजूर है, क्या मंजूर नहीं है, हम बात तो करें बैठ के अक्रॉस द टेबल कि आपको क्या, ये हमारी ओर से, ये हमारे विश लिस्ट है, ये हमारी डिमांड्स है, हम ये चाहते हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या आपको स्वीकार है, क्या आपको नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं स्वीकार है, वगैरह वगैरह। हमारी ओर से अगर कोई चीज़ है तो हम आपको बताएं, हमारी कहाँ कमजोरी है वो हम आपको बताएं, आपकी कहाँ पे वो हम समझें। ड्राफ्ट हमने फरवरी एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में भेज दिया था तीनों को। 3 महीने तक इम्पा, गिल्ड और IFTPC की ओर से एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया कि उन्हें MOU मिला है कि नहीं मिला है, नया MOU। हम रिमाइंडर भेजते रहे, चिट्ठियां भेजते रहे, फोन करते रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। और उन्होंने एक चीज को इश्यू बना लिया कि उन्हीं के एक मेंबर ने, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत कर दी थी, CCI में, कि भाई जो ट्रेड यूनियनें हैं, मतलब तो हमारी 22 क्राफ्ट और फेडरेशन है, ये एक गैर कानूनी काम कर रही हैं, जैसे कि मेंबर टू मेंबर वर्किंग। कि हमारी एक शर्त ये होती थी, है MOU में, कि मेंबर टू मेंबर वर्किंग होती थी, कि भाई हमारे मेंबर उनके मेंबर के साथ काम करेंगे। वो इसलिए होती थी, उसकी वजह है क्योंकि 2010 के पहले कुछ तो राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने भी अपनी एसोसिएशन बना ली थी, उनके पास कोई स्किल नहीं था, मगर दे हैड मसल पावर, और वो लोग जाके
जो फिल्म या टीवी के प्रोड्यूसर हैं उनको मजबूर करते थे कि हमारे मेंबर को अपने शूटिंग में लो, उनसे काम कराओ। स्किल उनके पास थे नहीं, स्किल सिर्फ हमारे लोगों के पास थे, हमारे जो मेंबर थे उनके पास स्किल थे, योग्यता थी। तो इससे घबरा के फिल्म और टीवी के प्रोड्यूसरों ने ये एमओयू का आइडिया सोचा कि चलो हम सिर्फ आपके मेंबरों के साथ काम करेंगे, ये पहले था। और हमारी ओर से भी था कि हाँ भाई हम भी सिर्फ आपके मेंबरों के साथ काम करेंगे, कोई जो आपका मेंबर नहीं है कोई प्रोड्यूसर उसके साथ हम काम नहीं करेंगे। शिकायत गई सीसीआई में कि भाई ये तो नाइंसाफी है, जो नॉन मेंबर है उसके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि जो कंपटीशन कमीशन है वो ये देखता है कि कोई मोनोपोल तो नहीं हो रही है। जो पहले MRTP था, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसी का नाम बदल के अब सीसीआई हो गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और वही देखते हैं कि कहीं कोई किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है कंपटीशन के नाम पे, प्रतियोगिता के नाम पे। अब कंपटीशन कमीशन ने सबको चिट्ठी भेज दी कि भाई आप बताओ अपने बारे में डिटेल कि आप कौन हो, क्या करते हो, कैसे मेंबर बनाते हो वगैरह, कैसे काम करते हो। उनके पास भी गई थी चिट्ठी, हमारे पास भी, हमने सारे रिकॉर्ड भेज दिए उनको, हर एसोसिएशन ने अपनी सारी जानकारी उनको भेज दी सीसीआई। और अब वो उसको बहाना बना के कि भाई जब तक ये सीसीआई फैसला नहीं करती तब तक हम कैसे एमओयू साइन कर सकते हैं। हालांकि सीसीआई ने कहीं ये नहीं लिखा कि आप एमओयू साइन नहीं कर सकते, वो सिर्फ मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, जांच कर रहे थे कि सच में क्या कहीं कोई नियम, कंपटीशन कमीशन का नियम तोड़ा जा रहा है कि नहीं तोड़ा जा रहा है। तो जब, और हमारे मेंबर जो है हमारे पीछे पड़ते भाई क्या हो रहा है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कोई फैसला नहीं हो रहा, एमओई नहीं हो रहा। क्योंकि एमओई ना हो तो जो हमको, जो हम कहते हैं ज्वाइंट डिस्प्यूट सेटलमेंट कमिटी, जो आपस के डिस्प्यूट का फैसला करती है मसलों का, वो नॉन एक्टिव हो जाती है, उसका कोई वो एक्टिव नहीं रहती। तो जो डिस्प्यूट थे इकट्ठा होते जा रहे थे, उनका फैसला नहीं हो पा रहा था। किसी का पैसा 6 महीने से रुका हुआ है, किसी का साल भर से रुका हुआ है, किसी का 2-2 साल से रुका हुआ है। जो डेली वेजेस वाले हैं जिनको रोज पैसा मिलना चाहिए, उनको 6-6 महीने बाद मिलता था, बाद भी नहीं मिलता था। तो शिकायतें आ रही सब तरफ से, सर हमें पैसा नहीं मिला, हमें कन्वेंस नहीं मिला, जो रोज मिलना चाहिए वो नहीं मिला, महीनों निकल जाते थे नहीं मिला, ना इंसाफी हो रही है। 12 घंटे मान लीजिए शूटिंग करने की लिमिट दी गई थी, 12 घंटे की जगह 16 घंटे शूटिंग हो रही है, 14 घंटे शूटिंग हो रही है, नियम तोड़े जा रहे हैं। तो एक बेचैनी थी हमारे मेंबर्स में, ये क्यों हो रहा है। फाइनली जब सारे रास्ते बंद हो गए और उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो हमारे पास तो एक ही हथियार है, नॉन कोऑपरेशन, जो महात्मा गांधी हमें दे गए हैं, और तो कुछ है नहीं। और वो हर ट्रेड यूनियन का अधिकार है नॉन कोऑपरेशन, कि वो काम करने से रोक सकती है अपने आप, कि हम काम नहीं करेंगे, हम भूखों मरेंगे मगर काम नहीं करेंगे, जाओ। तो हमने उनको लीगल नोटिस भेज दी, जो हमारी तरफ से जरूरत थी कि भाई 14 डेज की लीगल नोटिस है कि अगर आप फलां डेट तक फैसला नहीं करते एमओयू के बारे में, क्योंकि सीसीआई ने कहीं मना नहीं किया कि आप एमओयू साइन नहीं कर सकते, क्योंकि सीसीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और जो उनका मसला था मेंबर टू मेंबर का उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते थे, उसके बाद जो भी फैसला होता हम स्वीकार करते सीसीआई का, हमें तो कभी नहीं कहा कि हमें वो फैसले से इनकार है, सीसीआई का सारा फैसला हमें स्वीकार होता जो भी होता। हालांकि अभी भी कोई फैसला हुआ नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई उनके वकीलों ने बोला कि आप नहीं साइन कर सकते एमओयू। हमने लीगल नोटिस भेज दी स्ट्राइक की कि 6 मई से हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। 5 मई की रात को उन्होंने बुलाया हमें इमरजेंसी मीटिंग में। फाइनली 5 मई को उन्हें फुर्सत मिली हमें बुलाकर बिठाने की और बात करने की। वहां उन्होंने हमारी एक छोटी सी मांग मान ली कि जो हाइक 13% वेजेस हाइक, जो डेली वेजेस वाले हैं वो हाइक उन्होंने एक्सेप्ट की, मगर बाकी जो चीजें डिमांड थी, लेकिन हम बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, हम लोग बैठते हैं, फिर शुरू करते हैं।
हमने कहा चलो ठीक है, इतना तो मान गए कि चलो हम मीटिंग करना शुरू करेंगे। हमने स्ट्राइक पे ड्रॉ करी, वो हाईकोर्ट में गए एक्चुअली स्ट्राइक पर रोक लगाने के लिए। हाई कोर्ट के जज ने भी यही फैसला दिया कि स्ट्राइक पर रोक नहीं लग सकती, और खुद सीसीआई ने कहीं नहीं लिखा है कि आप एमओयू साइन नहीं कर सकते, मगर हाई कोर्ट ने ये जरूर रोक लगा दी हम लोगों पे कि आप किसी को शूटिंग पर जाने से रोकेंगे नहीं, और कोई जाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, और शूटिंग के लोकेशन से 150 मीटर दूर रहेंगे। हमने सारा पालन किया, जो जो हाई कोर्ट ने बोला हमने सब पूरी तरह से अक्षरशः किया पालन उसका। फिर जो है 6 मई को स्ट्राइक घोषित हुई थी, तो 5 मई को मीटिंग हुई जिसमें हमारी एक मांग मांग ली गई। हमने कहा ठीक है चलो, उम्मीद तो है कि बाकी मीटिंगें शुरू होंगी हर क्राफ्ट की अलग अलग। फिर वही सन्नाटा, खामोशी, मीटिंगें कुछ हुई भी मगर कोई फल नहीं निकला। और हमारे जो मेंबर थे वर्कर्स वो भी आज ही जा गए थे, भाई कब फैसला होगा। इस तरह 6 महीने निकल गए। फरवरी से हम सितंबर तक आ गए, कोई हल नहीं निकला था। फाइनली हमें फिर वही करना पड़ा जो हम नहीं करना चाहते थे, जो हमारा आखिरी हथियार है। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो हमने फिर लीगल नोटिस भेजा कि भैया 3 अक्टूबर से हमारे मेंबर जो हैं काम पे नहीं जाएंगे, हम भूखों मरने को तैयार हैं, हम काम पे नहीं जाएंगे, आप चाहो तो किसी और से काम करवा लो, हमें कोई इतराज नहीं है। हमने किसी को रोका नहीं है काम करने से, जो नॉन मेंबर है उनको भी नहीं रोका है काम करने से, आप करवा लो आराम से, हमारे मेंबर काम नहीं करेंगे। ये 3 अक्टूबर को। इस बीच क्या हुआ कि हमारे जो फिल्म राइटर एसोसिएशन के लोग हैं, और वही नहीं 22 के 22 क्राफ्ट स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहे थे। हमने स्ट्राइक तो शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते, हम नॉन कोऑपरेशन कहते हैं, कि हमारे करीब 150 राइटरों ने जाके जो ब्रॉडकास्टर है उनको बोला कि हम अब एपिसोड लिख के नहीं देंगे और ना मीटिंग में आएंगे। ब्रॉडकास्टर को पहली बार एहसास हुआ कि हालात, असली हालात क्या है जमीन पे। उनको तो सिर्फ मतलब है अपने डेली टेलीकास्ट से कि रोज का रोज एपिसोड टेलीकास्ट होते रहे, टेप आते रहे, टेलीकास्ट होते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पता था कि जमीन पे क्या हो रहा है। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जमीनी हकीकत क्या है हमारी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की, और 2.5 लाख जो हमारे वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट हैं उनकी असलियत क्या है, उनके हालात। और ये इसमें मैं कहूंगा कि हमारे लेखकों की बड़ी अहम भूमिका थी, जो हमारे फिल्म राइटर एसोसिएशन के जो लोग हैं, इसी मेंबर्स हैं, दूसरे राइटर हैं, जो इसमें उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक अहम भूमिका निभाई, जिससे ब्रॉडकास्टर को पहली बार लगा कि अरे ये क्या होता है। तो ब्रॉडकास्टर ने बीच में दखल दिया, वो मीटिंग में उन्होंने एक तरह से मजबूर किया इन लोगों को मीटिंग करने के लिए, और खुद आए मीटिंग में बैठे, और उनके वादे पे, उनके विश्वास पे हमने स्ट्राइक विड्रॉ कर ली। एक दिन की स्ट्राइक हुई 3 अक्टूबर को, और फिर हमने विड्रॉ कर ली क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने हमें पूरा वादा किया कि नहीं हम इंसाफ करेंगे, हम एक एक चीज जो है हम उसको बाकायदा हर जो आपकी मांग है उस पर गौर करेंगे, और जो भी आपकी मांग जायज है, वाजिब है, वो हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे, बिल्कुल हमें भी तो काम करना है, हमारा टेलीकास्ट है। और इस तरह पहली बार एक सार्थक, कहना चाहिए सार्थक मीटिंग शुरू हुई, जिसमें ब्रॉडकास्टर, और इसके लिए हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए ब्रॉडकास्टर का, कि उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई कि उनके वकील और वो खुद जितने बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, सोनी हो, जी हो, स्टार हो, कलर्स हो, उनके जो सीनियर लोग हैं वो आते थे मीटिंग में, अभी भी आ रहे हैं, वकीलों के साथ बैठते थे और हमारी समस्याएं सुनते थे, हम भी उनकी समस्याएं सुनते थे, उनकी भी शिकायतें थी और हम तैयार थे पूरी शिकायतें दूर करने के लिए, ये एक तरफा बात नहीं थी, उनकी भी कुछ, उनके पास भी कुछ वजह थी परेशान होने की, पर हमारे पास भी थी। तो इस तरह ये सार्थक सिलसिला शुरू हुआ जो बहुत पॉजिटिव था, अभी भी चल रहा है, और
सही दिशा में बढ़ रहा है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक जो बात हुई है वो बड़ी ठोस हुई है, सार्थक हुई है, सही दिशा में हुई है। और बहुत सी जो चीजें हैं, एक तो क्या है कि पहले जब एमओयू बनते थे शायद बहुत ज्यादा डिटेल में लोग नहीं जाते थे, क्योंकि जैसे पिछला जो एमओयू था उसमें सिर्फ पांच छह एसोसिएशन का जिक्र था, हमारा तो जिक्र भी नहीं था एफडब्ल्यूयू का, हमारी मांगों के बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी उसमें। अब पहली बार ये हो रहा है कि 22 की 22 जो क्राफ्ट एसोसिएशन है, सबकी जो जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, मांगे हैं, सबको एमओयू में जगह मिल रही है। और पहली बार जो ब्रॉडकास्टर है, क्योंकि पूरी जो टीवी इंडस्ट्री है उसमें जो ब्रॉडकास्टर है उसकी सबसे अहम भूमिका है। जो प्रोड्यूसर है वो तो उसको पैसा मिलता है, वो शो बनाता है, फैसला सारे जो टीवी चैनल है वही करते हैं, और इसलिए उनकी भूमिका बड़ी अहम है। और पहली बार फेडरेशन के साथ, और ये शायद पहली बार इतिहास में हो रहा है कि जो ब्रॉडकास्टर है वो फेडरेशन के साथ बैठ रहा है, भले वो खुद साइन नहीं करेगा, साइन करेंगे प्रोड्यूसर्स ही, उनकी जो एसोसिएशन है वही साइन करेंगे एमओयू पे, मगर एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है ब्रॉडकास्टर भी, और उसके लिए हम बिल्कुल उनके शुक्रगुजार हैं। और आज तक, आज भी हमारी मीटिंग थी, मैं उसी मीटिंग से आया हूँ थोड़ी देर पहले, और उम्मीद है कि अगले एक दो दिन में सारे मसले निबट जाएंगे और ये एमओयू साइन हो जाएगा। तो एक लंबी लड़ाई थी, करीब 6 महीने से चल रही थी, और अब लग रहा है कि ये जो जंग है ये आखिरी मुकाम पे आ पहुंची है। और हमारी अधिकतर जो मांगे हैं, और बड़ी सिंपल मांगे थी कि भाई 12 घंटे ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेबर लॉ भी 8 घंटे अलाउ करता है। हमने टीवी की खास जो है जरूरतें हैं, खास डेली शो उसको देखते हुए 12 घंटे अलाउ किए गए थे पिछले एमओयू में, मगर अक्सर ये होता था कि लोग नियम तोड़ रहे हैं, 12 के 14, 14 के 16 घंटे शूटिंगें हो रही हैं, वर्कर्स को वक्त पर पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिनकी वो पैसा मंथली मिलना चाहिए हर महीने 30 डेज के बाद, उनको कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने पैसा रोक के मिल रहा था। जो बेसिकनेस, जो एमिनिटीज हैं, जैसे शूटिंग के जो स्टूडियोज हैं हमारे यहाँ, आजकल तो कोई भी स्टूडियो खोल के बैठ जाता है, वहां आग बुझाने का इंतजाम है, बाथरूम तक नहीं है लेडीज के लिए, जो बेसिक एमिनिटीज हम एक्सपेक्ट करते हैं एज ए ह्यूमन बींग वो तक वहां पर नहीं होती, और काम बेचारे हमारे वर्कर किए जा रहे हैं। तो ये हालत खराब थी, नाइंसाफियों की कोई हद नहीं थी, शोषण का कोई की कोई सीमा नहीं थी। और एक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक इंसान के तौर पे, वो भी उपलब्ध नहीं थी, तो जाहिर है कुछ की शिकायत तो रहेगी ना, फिर क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन के सिवा और क्या कर सकता है ट्रेड यूनियन। तो इसलिए हमारी लड़ाई थी, और मुझे खुशी है कि हमारी बहुत सी जो मांगे थी उस पर लोग राजी हुए हैं दोनों तरफ से, बहुत सी चीज़ों पे सहमति हुई है, बहुत सी मांगों पे सहमति हुई है, और मुझे लगता है कि अगले 5 साल तक अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, अगले कुछ दिनों में, अगले 5 साल तक इंडस्ट्री के पास एक जो एमओयू होगा वो काफ़ी डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव जिसे कहते हैं, कि इसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, और उसी में शामिल है कि जो जैसे कि इंडिविजुअल क्राफ्ट है, जैसे हमारा फिल्म राइटर एसोसिएशन है, करीब 4 साल पहले हमारा एक जो मिनिमम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है MBC, कि एक राइटर और जो एक टीवी या फिल्म का प्रोड्यूसर है उनके बीच किन शर्तों पे काम होना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए, कब कब मिलना चाहिए, दोनों ओर से क्या शर्तें होनी चाहिए ताकि काम सही हो, ये ड्राफ्ट हमने 4 साल पहले सारे एसोसिएशन को भेजा था, हिम्पा को, गिल्ड को, IFTPC को, और सारे टीवी चैनलों को ही भेजा था, IBF को भेजा था। उन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट तक भी नहीं भेजा कि हमें आपका MBC मिला है। आज जब हम बात करते हैं कि सर हमने 4 साल पहले भेजा था, तो उसके बाद हमने 50 रिमाइंडर भेजे थे, अटैचमेंट कर करके भेजा था, अच्छा हमने तो देखा ही नहीं, अब ये किसकी गलती है?
ये जो इंडिफरेंस है कि हमारा कोई वजूद ही नहीं, तो हम जब कहते हैं कि ठीक है भाई हम काम नहीं करेंगे, हम घर बैठेंगे भूखे मरेंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो हम कौन सा कहते हैं गलत कर रहे हैं? क्योंकि आपको इतने की फुर्सत नहीं है कि चार साल तक हमारे एमबीसी ड्राफ्ट को खोल के पढ़े कि लिखा क्या उसमें, हमारी जरूरतें क्या है एक लेखक की, एक एक्टर की, एक डायरेक्टर की, एक एडिटर की, एक म्यूजिक कंपोजर की, एक डीओपी की, कैमरामैन की, उनकी डिमांड क्या है? नहीं, आपको फुर्सत नहीं है, आप बिजी हैं अपने, किसी को शो बनाना है, किसी को शो दिखाना है, बीच में जो वर्कर है, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट है, वो मरे जा रहे हैं, उनकी तकलीफों का इंसाफ कौन करेगा, कौन देखेगा? तो ये पहली बार हुआ है कि सारे 22 के 22 जो क्राफ्ट हैं उनकी जो भी जरूरतें हैं, उनकी जो भी डिमांड्स हैं, वो इस एमओयू में रिफ्लेक्ट होंगी और हर एक के साथ इंसाफ होगा, और उसमें हम लोग भी शामिल हैं जो फिल्म राइटर एसोसिएशन के लोग हैं, कि फिल्म लेखकों के लिए, टीवी लेखकों के लिए और गीतकारों के लिए बाकायदा जो मिनिमम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है वो उस एमओयू का हिस्सा बनेगा, ताकि सबको पता हो कि कैसे काम करना है और किसकी क्या जरूरत है। थैंक यू सर।